असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ असम अंडरटेकिंग है। इसका एडवर्टीजमेंट आया हुआ है जिसमें ITI इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट के लिए आया हुआ है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.amatron.in में है। ठीक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चल जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी है और कितने पोस्ट आए हुए हैं इस ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। इसमें BE/BTECH के लिए भी पोस्ट आए हुए हैं और डिप्लोमा के लिए भी, सुपरवाइज़र के लिए भी पोस्ट इसमें आए हुए हैं। तो चलिए ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए इसमें टोटल आठ सीट आए हुए हैं, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ITI में और इसका सैलरी जो है 25,000 से 40,000 होने चाहिए और ये शिफ्ट ड्यूटी ऑन 24/7 बेसिस पे रहेगा। एज, इसमें एज की बात किया जाए तो 18 साल से 44 साल होंगे और लैंग्वेज जो है असमिस, इंग्लिश और हिंदी, तीनों लैंग्वेज आपके पास होने चाहिए। इसको कैसे अप्लाई करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाएंगे। ठीक, और इसका जो लास्ट डेट होगा 16 फरवरी 2021 तक होगा और ये जो फॉर्म होंगे ओनली ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात किया जाए तो इसमें रिटेन टेस्ट होंगे और इसका TA/DA आपको नहीं मिलेगा और ये जो पोस्ट हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होंगे। ठीक, और ये इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, इसमें पहला क्लास 10th का सर्टिफिकेट, सेकेंड ITI का मार्कशीट, थर्ड एज प्रूफ, फोर्थ परमानेंट रेजिडेंट का प्रूफ चाहिए आपको जो असम के हैं। ठीक, और फिफ्थ है SC/ST OBC के हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट का साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा। ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन का जो क्वालिफिकेशन जो है ITI इलेक्ट्रिशियन विथ 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि